हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉप रिपोर्टर। आज का ये वीडियो साइंस स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, नीट आपके लाइफ और लाइफस्टाइल को डिसाइड करने वाली सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर झंडे गाड़ दिए तो आगे आपका रास्ता और भी आसान हो जाएगा। आप अपनी मनचाहा लाइन चूज कर सकते हो और एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हो, जिसके पास मैं भी जाना पसंद करूँगा। इस भाग के प्रायोजक है रामानुजम एकेडमी। अभी आपके पास हार्डली 3 मंथ है और इस टाइम आपको स्मार्ट स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है, जिससे आप मैक्सिमम पोर्शन का कवर कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम यह बात करने वाले हैं कि नीट एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि नीट 2018 के प्रिपरेशन के लिए अभी आपके पास जितना समय है उसके हिसाब से आपको 2 चीज़ सजेस्ट करूँगा। फर्स्ट वन इज़ NCERT। दोस्तों, नीट के एग्ज़ाम में 85 से 90% क्वेश्चन NCERT से पूछे जाते हैं, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट NCERT ही है। अब आपको NCERT पूरी तरह रट्टा नहीं मार लेना है और आप ऐसा सोच कर मत बैठिए कि सीधी सीधी NCERT का क्वेश्चन आ जाएगा और आप अच्छे मार्क्स ला लेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप 100% गलत हैं। दोस्तों, नीट एग्ज़ाम में ऐसा सीधे सीधे क्वेश्चंस हार्डली आपको मिलेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को टेस्ट किया जाता है। तो अगर आप रट्टा मारकर पढ़ेंगे तो आपको कोई भी मतलब नहीं है और आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो आप जितना भी पढ़े, समझ कर पढ़े, हर एक कॉन्सेप्ट को समझे और फिर आगे बढ़े। अब आप अच्छे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने क्लास या स्कूल टीचर से भी मदद ले सकते हैं। और आपको कोई भी टॉपिक रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि ये सीधे सीधे आपका टाइम वेस्ट ही है। एक और बात कि सबसे पहले आप स्कोरिंग सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो और उसे कंप्लीट कर लो, जिससे आप मार्क्स के हिसाब से काफ़ी पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। यह तो देख लिया, NCERT को कंप्लीट करने पर आपको उसमें से 85 से 90% का ही आता है और बाकी के 10 से 15% कहाँ से आते हैं और उसके कैसे प्रिपरेशन करना है। दोस्तों, 10 से 15% के लिए कोई नई बुक परचेस करेंगे और उसे पढ़ने नहीं बैठ जाना है, क्योंकि अगर आप दूसरे बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लगभग काफ़ी पोर्शन NCERT के रिपीट होंगे और हार्डली कुछ नया मिलेगा। तो अभी आपके पास टाइम नहीं है और हमें 10 से 15% के लिए गंदा मजूरी करना बेकार है। उससे बेटर है कि हम उस टाइम को दूसरे सब्जेक्ट में दें और उस सब्जेक्ट में भी अच्छा मार्क्स ला सकें। 10 से 15% क्वेश्चन के लिए आप पास्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो यह सोच कर करें कि आप एग्ज़ाम में हो, टाइम डिसाइड करके बैठो, जिससे आपका स्पीड का पता चलेगा, प्लस कम समय में आपका पेपर सॉल्व कर लोगी, क्योंकि आपके सामने टाइम का रिस्ट्रिक्शन होगा। और पास्ट पेपर सॉल्व करने से आपको यह पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, जिससे आप उस टॉपिक को फिर से पढ़ कर प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑल्सो पास पेपर में जो भी अच्छे और नए क्वेश्चन मिलते हैं उसे अलग से मार्क कर दें या फिर उसके लिए एक अलग सा नोटबुक बना लें, जिससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको सभी नए क्वेश्चन एक ही जगह पर मिलेंगे और आप उन सभी को एक ही जगह पर सॉल्व कर सकोगे, जिससे आपको फिर से अपने पास पेपर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में देखा कि नीट प्रिपरेशन के लिए NCERT को पढ़ना जरूरी है और 10 से 15% के लिए पास्ट पेपर को देखना है। और रट्टा मारने से अच्छा है कि एक दो सब्जेक्ट कम समझें, जिससे आप जितना पढ़े हो उससे हम स्कोर कर सकते हैं। इस भाग के प्रायोजक है रामानुजम एकेडमी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।